बड़े शहरों में ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ, और स्पेशली जो माताएं बहनें हैं, जैसे उनको एक्सरसाइज करने का समय मिलता नहीं है कि हम जाएं और कुछ एक्सरसाइज करें, ये समय नहीं मिलता है। लेकिन स्पेशली माताओं में थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके लिए कम से कम 5 मिनट भी, 5 से 7 मिनट या 8 मिनट सिर्फ आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें, घर में सभी लोग करें। आप चाहें तो सुबह में कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। आपके पास जैसे होता है कि बाहर कहीं नहीं जा सकते, आपके घर में थोड़ी सी जगह है, अगर घर में भी नहीं जगह है तो कमरे के अंदर वो जगह है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए सिर्फ टहलना होता है। लेकिन टहलने की एक खास विधि है जिसको हज़ारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे, और उसके कारण से लोगों का कल्याण, जैसे कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया ठीक नहीं हो, इस तरह की सारी शिकायतें खत्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम कितना देना होगा, सिर्फ 8 मिनट। 8 मिनट अगर आप दे देंगे, उतना ही से आप देखेंगे कि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, खाना ठीक से पचेगा, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, या थायराइड की समस्या या सांस की समस्या, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो उसके लिए टहलना है। लेकिन कैसे टहलना, वो खास विधि है। उस टहलने की विधि की खासियत ये है कि कभी सीधा नहीं टहलना, या फिर ऐसे ऐसे जो पार्क में हम लोग घूमते हैं ना, कि इधर से घूमते हुए टहलते हुए ऐसे आ रहे हैं, वो तरीका ठीक है, लेकिन उस तरीके से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो टहलने की एक खास विधि मैं चाहता हूँ कि एक सब हम लोग सब लोग एक साथ करेंगे। तो करना क्या है, 8 की मात्रा आपने देखी है, 8 की आकृति, बस 8 की आकृति में टहलना है। यानी कि ऐसे स्क्वायर बना के नहीं टहलना, सीधा नहीं टहलना, आगे पीछे नहीं जाना, 8 की आकृति में टहलना है। ऐसे करने से क्या होता है, खुश रहिए बेटा, 8 की आकृति में क्या होता है, जब आप ऐसे चल रहे हैं तो कभी आपके एक पैर पे वज़न ज़्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस आकृति में एक खासियत होती है, एक पैर पे वज़न ज़्यादा होगा, दूसरे पैर पे वज़न कम होगा। लेकिन जैसे ही आप मोड़ लेकर दूसरी आकृति बनाते हैं तो पहले वाले पैर पे वज़न ज़्यादा होगा और उसके पहले वाले पैर पे वज़न कम हो जाएगा। जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका ध्यान हमेशा टहलने पर लगा रहेगा, क्योंकि सड़क पे अगर गाड़ी सीधी चल रही हो तो अक्सर ड्राइवर निष्क्रिय हो जाता है कि गाड़ी को तो सीधी चलना है, लेकिन मोड़ पे ड्राइवर सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब कोई इंसान टहलता है 8 की आकृति पे, हर वक्त उसको सचेत होना है, क्योंकि हर वक्त ध्यान में रखना है कि मुझे अब घूमना है। और चौथी चीज़ कि आपको तेज़ी से चलना है, तेज़ी से चलना है और बार बार चलना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, शारीरिक रूप से आपका शरीर मजबूत तो होगा, एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन साथ में आप मानसिक रूप से अलर्ट हो जाएंगे, यानी आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा उसके ऊपर, और आप थोड़े देर में ही आपको लगेगा कि आपका शरीर और आपका मन दोनों एकाग्रचित हो गया और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, और उसका असर आपके नींद पे दिखेगा और बाकी दिन भर के जो व्यवहार में उसमें दिखाई देगा। तो वो छोटा सा हम लोग करके अभी देखते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग आ जाइए लाइन में, एक यहाँ पे जगह बना लेते हैं, एक लाइन बना दीजिए, जैसे ट्रेन की लाइन बनती है ना, ऐसी लाइन। आइए आइए, आप सब आइए, इधर आइए आइए प्रधान जी, हाँ बस ठीक है। अब हम लोग 8 की आकृति बनाएंगे, मेरे साथ टहलेंगे, चलिए टहलते जाइए। ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे आइए, हाँ आइए, चलिए 8 की आकृति चलते जाइए, तेज चलना है, हाँ 8 की आकृति बनानी है। अभी ट्रेन थोड़ी लंबी है तो 8 की आकृति स्लो हो जा रही है, हाँ तेज, और पूरा ध्यान अपने चलने पे, पूरा ध्यान अपने चलने पे, हाँ तेज तेज। ये खाने के बाद सुबह शाम या जब भी फ्री हो आप इस आकृति में टहल सकते हैं। अभी हमारी संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं बड़ी आकृति बना रहा हूँ, लेकिन आप घर में कमरे के अंदर भी ऐसी छोटी आकृति बना सकते हैं, हाँ।
तेज चलना है, पूरा ध्यान आपको आपके टहलने पे ही लगाना है, पूरा ध्यान आपके टहलने पे लगाना है। तेज चलिए, तेज चलिए एक साथ। देखिए यही इसकी कला है कि इसमें स्लो नहीं, तेज चलना है तब लाभ होगा। हाँ, तेज चलना है, तेज चलिए, पूरा ध्यान आपके टहलने पे होगा। आप देख रहे हैं राइट साइड पे कभी वजन पड़ रहा है, कभी लेफ्ट साइड पे वजन पड़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ट्रेन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन जब आप अकेले टहलेंगे तो ऐसे ही टहलेंगे जैसे मैं टहल रहा हूँ। इसके टहलने से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, एड़ी का दर्द, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बस अब आप रुक जाइए, आप समझ गए ना एट की आकृति। अब एट की आकृति में थोड़ा सा हम लोग सब लोग टहल रहे थे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं अकेले टहल रहा हूँ। आप उसको देख लीजिए, छोटे जगह पे टहलना, बड़ी जगह तो बहुत हो गई क्योंकि यहाँ पे बार बार आप सीधा भी हो रहे हैं, मुड़ नहीं रहे हैं। मैं छोटा सा टहल रहा हूँ, देखिए ये बार बार जो मैं मुड़ रहा हूँ, मेरा ध्यान मुड़ने पे है और आकृति को सही करने पे है। आकृति भूलनी नहीं चाहिए, कहीं और ना खो जाए। फ़ोन कनेक्शन पे बात करेंगे तो क्या होगा, आपकी आकृति ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब आप टहलें तो किसी से बात ना करें, फ़ोन पे कॉल ना करें। आपको आठ की आकृति पे टहलना है तो बस आठ की आकृति ही बननी चाहिए, उसके अलावा दूसरी कोई आकृति नहीं बननी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि मुझे बार बार घूमना पड़ रहा है। और इस तरीके से आप शहर में रहते हों, गांव में रहते हों, पार्क में हैं, कहीं भी हैं, कम जगह है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर की दुल्हन हैं, बाहर नहीं जा सकते, ससुर जी बैठे हुए हैं, कमरे में ही टहल लीजिए आठ की आकृति बनाते हुए। ठीक है, ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत लाभ होगा। करेंगे आप लोग, सभी लोग करेंगे, बच्चे आप लोग भी अपने माता पिता से बोलोगे करने के लिए। ठीक है, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग सभी एक दूसरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर साहब का, प्रिंसिपल साहब का, और सभी हमारे टीचर्स का, और सभी आगंतुकों का। धन्यवाद आप सभी का बहुत।